बेबी सुनना, सामान लेके पहुंच गया हूँ मैं। कहाँ हो तुम? बंदे लोग को भी लेके आ गए। बंदे लोग को लेके पहुंच गया हूँ, कच्चे पे अच्छे लगेंगे। यह भाई लखनऊ का स्टेडियम भाई, और सीआरपीएफ वाले घूम रहा था सर, वो सब एक तरफ से देख रहे हैं हम एकदम। हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बाइक टू 28 पे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, बिल्कुल सेफ होंगे भाई, आप लोग भी अच्छे से रहिए भाई। और ये है आपके सामने गोपालगंज का स्टेशन। अभी हम भी गोपालगंज स्टेशन पे हैं। भाई मेरा यहाँ बाइक लगा हुआ है और अभी हम लाइव देख रहे हैं ट्रेन कहाँ पे है। सिधवलिया क्रॉस करके अभी गोपालगंज बस पहुँचने ही वाली है। और ये रहे हमारे तबरेज भाई और ये हमारा लगेज। ये है गोपालगंज का स्टेशन। 9:40 हो रहा है रात का। स्टेशन अभी भी वैसे ही है पहले वाला, लेकिन यहाँ से बड़ी लाइन चालू हो चुका है। और यहाँ से भी कभी सोचे नहीं थे कि ट्रेन आएगी और लखनऊ तक जाएगी। भाई साहब, ट्रेन आ रही है सामने, और ये ट्रेन लखनऊ जाएगी समझे, और हमको भी लेके जाएगी। भाई साहब सीएफ करने आए हैं गोपालगंज। बस अब हम लोग के फ्रेंड लिस्ट में भाई यही एक बचे हैं जो हम साथ रहते हैं, बाकी सारे लोग बिजी हो गए हैं अपने लाइफ में। अमित कुल नाथ है, मामल दाली याद रही। गोमती नगर एक्सप्रेस भाई, एसी बोगी सबसे पीछे थावे से जाके आगे हो जाएगी। दीनदयाल जहाँ हम खड़े हैं ना, वहीं पे एसी बोगी आएगी और मेरी बोगी यहीं पे आएगी पक्का, एकदम यहीं पे आएगी पक्का, यहीं पे आएगी। देखिए बस बस बस, वहाँ पे एग्जैक्ट M3 वहाँ पे है भाई, वहाँ पे। चलो भाई चलिए निकलिए। चट्टी मैन गोपालगंज को बाय बाय भाई, और हम आ गए हैं ट्रेन में, एकदम बिल्कुल खाली है। सबसे पहले भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं और जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया भाई। 3K हो गया है हमारे YouTube चैनल बाइक्स टू 28 का, 3K सब्सक्राइबर हो गया है, ठीक है, कम्प्लीट हो गया है। और अभी हमारे इर्द गिर्द भाई, अभी मेरा फेस ऐसे रेड और वाइट और येलो हो रहा है, ये सिर्फ इसके वजह से हो रहा है, ठीक है, लाइटिंग की वजह से हो रहा है। थावे जंक्शन पे है और अभी जा रहे हैं भाई लखनऊ, थावे से लखनऊ। गोपालगंज में ये ट्रेन पकड़ लिए थे हम, बट बोर्डिंग थावे से था, ठीक है। ये रहा भाई अपना सीट, दोनों मिडिल है और बीच में नेट पे दिखा रहा था भाई, दोनों साइड लोअर है, किस्मत ख़राब है, नेट पे फॉल्स भी दिखाता है। अभी हम थावे जंक्शन पे हैं और यहाँ पे हमारे भाई आ गए हैं, आरिफ भाई जो हमारे ट्रेवल पार्टनर है, और ये भी साथ में चलेंगे लखनऊ तक। फिर वहाँ से हम लोग कैसे जाते हैं दिल्ली वो अगली वीडियो में जरूर देखिएगा भाई। और अपना है B2 में, ठीक है। अभी इंजन यहाँ पे चेंज करता है, छपरा से जब आता है तो यहाँ पे थावे जंक्शन आके इंजन चेंज करता है, तो अभी हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे है और इंजन यहाँ चेंज करेगा, तो फिर हम लोग यहाँ से थावे से लखनऊ जाएंगे। और अच्छी बात तो ये है भाई कि मेरा नाम भी बिट्टू है और बोगी भी बिट्टू है, उसी में सीट भी है हमारा, सिर्फ लखनऊ तक ही जाता है भाई, दिल्ली का भी अगर डायरेक्ट यहाँ से खुल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ट्रेन में देख लीजिए भाई, गोमती नगर छपरा से गोमती नगर थावे जंक्शन पे अभी। तो गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, नवाब के सर लखनऊ में आपका स्वागत है। हम लोग लखनऊ में पहुंच चुके हैं भाई, 7 बज रहा है सुबह सुबह और मौसम ज़बरदस्त हुआ है। पहली बार ट्रेन से भाई लखनऊ आए हैं यहाँ गोमती नगर स्टेशन पे, आगे क्या होता है आप देखते रहिए भाई। पहली बार गोमती नगर स्टेशन पे आए हैं और भाई इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, अभी तो सिर्फ कंस्ट्रक्शन बन रहा है। इधर भाई अपना भाई आ चुका है कार लेकर। भाई हम लोग बाहर आ चुके हैं स्टेशन से और आरिफ भाई बात कर रहे हैं भाई कार कहाँ पे है, साजिद भाई कार लेके आए हैं हम लोग को रिसीव करने के लिए। और ये कुछ बाहर का ऐसा नज़ारा है गोमती नगर लखनऊ रेलवे स्टेशन। अरे भाई पहला ही रॉन्ग रूट ले लिए भाई, रॉन्ग रूट लेने के चक्कर में मैंने कहा कि आपको आना है, इधर ऑटो स्टैंड है भाई और उधर कार पार्किंग है, इधर एक भी कार नहीं थी भाई। इधर से ट्रेन से निकल के ऊपर गए थे उधर, और फिर उधर से आ रहे हैं इनके वजह से फाइनली हम लोग इधर फ्रंट साइड जा रहे हैं, दोबारा जा रहे हैं इधर। और इसमें बताने वाले और बात करने वाले से भी
कोई मिस्टेक हुआ है क्योंकि दोनों तरफ कंस्ट्रक्शन हो रहा है इधर भी और उधर भी। कंस्ट्रक्शन साइड ही जाना, अपोजिट जाना, अपोजिट गया तो फिर कंस्ट्रक्शन साइड आना, समझ ही नहीं आ रहा हम जाना कहां। दोनों आदमी दोबारा चढ़ के फिर उतर रहे हैं। उधर था ऑटो पार्किंग, इधर है कार पार्किंग। हम लोग गलत प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ चले गए थे और इधर 1 दिख रहा है। अभी सही लोकेशन पे आए हैं भाई, प्लेटफॉर्म नंबर 1 इधर आना था। हम लोग अपोजिट साइड चले गए नवाबों का बस्ती। और यहाँ पे देख लीजिए कितनी गंदगी, कितनी अच्छी हस्ती। भाई साहब लखनऊ ऐसा कभी सोची ना थी। अब खराब हो गया है भाई, उधर गए फिर उधर से इधर आए, प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ चले गए थे, उधर से इधर आ गया, अभी फिर अभी देखिए कहाँ खड़ा हुआ है, गाड़ी ये रही। भाई लखनऊ का स्टेशन इतना गंदा होगा हमने कभी सोची ना थी भाई। भाई कोई पुरानी दुश्मनी है, वही निकाल रहे थे। ये गलत है, ये मैं गलत नहीं हूँ, इन्होंने बोला कि कंस्ट्रक्शन का अपोजिट आना है, दोनों तरफ का, दोनों तरफ है। भाई इतना ज्यादा लगे जाए। गोमती नगर रेलवे स्टेशन, हमारी 28 गोपालगंज की नंबर, वो भी लखनऊ में, वो भी लखनऊ में। अब ये दिल्ली में मिलेगी, आगरा में। गाना बजाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं है भाई। नहीं आएगा भाई, सिस्टम फाड़ देंगे, सिस्टम तो अपना फट चुका है अभी। इधर से उधर लोकेशन आपको भेजने, जब भेजे ना, जब तक हम लोग वहाँ पहुँच गए, जब लोकेशन ओपन हुआ उधर जाके ओपन हुआ था भाई। सिर्फ स्टेशन ही कचड़ा था, बट अभी तो बहुत क्लीन क्लीन दिख रहा है भाई। लखनऊ, नवाबों का शहर लखनऊ, बहुत खूबसूरत है भाई। सामने स्टेडियम दिख रहा है। मिनट भर भी नहीं लगा सही से, खत्म होने वाला। नवाबों का शहर भाई खूबसूरत है, मानना पड़ेगा, खूबसूरत तो है, बस स्टेशन पे गंदगी था। यही लखनऊ में है, नवाबों के शहर में, बहुत खूबसूरत लग रहा है भाई। रोड बहुत जबरदस्त बना हुआ है और शहीद पथ पे अभी हम लोग चल रहे हैं। जब यहाँ पे रुकने का प्लान बनेगा ना, तो फिर अच्छे से पूरे शहर घुमाएंगे, आपको दिखाएंगे। और ये मिस्टेक से पता है कितना घूमना पड़ता है, ये पूरे शहीद पथ 11 किलोमीटर जाते हैं, यू टर्न लेके आते हैं। तो ये हमारे लुंगमोल, आज हमारे साथ है ब्लॉगर आरिफ भाई और हम लोग जा रहे हैं। ये मैं सनरूफ से बाहर निकल के क्या कर रहा था, तो आप भी आइए लखनऊ में, आपको और इस सनरूफ का मजा लीजिए। 30 मिलियन से प्लस हो गया है। सो भाई फाइनली अभी हम लोग लखनऊ आ चुके हैं और हमारा लखनऊ में आगमन हो गया है। गोमती नगर स्टेशन पे उतरे हैं और वहाँ से हम और आरिफ भाई आए हैं और हमारे स्कूल फ्रेंड साजिद भाई, वही गए थे हम लोग को पिक करने के लिए और उन्हीं के कार से अभी हम लोग लखनऊ में घूम रहे हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे जल्दी दिल्ली वाले ब्लॉग में। और तब तक के लिए आप जुड़े नहीं रहिए और सब्सक्राइब कराते रहिए चैनल पे, बने रहिए, लाइक कमेंट करते रहिए। ठीक है, मुझे पता चलेगा क्या मुझे सही करना है क्या गलत है। मेरे पास कुछ शब्द है जो मैं कहना चाहता हूँ। बोलिए चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियोस देखिए, उस वीडियो से मैं पैसे कमाऊंगा, फिर पैसे कमा के मैं फिर कोई चीज खरीदूंगा, फिर वो चीज खरीद के आप लोग को ही दे दूंगा, तो इनडायरेक्टली आप लोग का ही फायदा है। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और देखते रहिए। देखें कितना अच्छा है ब्लॉग का एंडिंग कर रहा है साजिद भाई। वही ना भाई।
आप लोग इतना टैलेंट लाते कहाँ से है भाई? ब्लॉग का ये टैलेंट नहीं आता है, नाम रखा बोला कि आप लोग एक आप लोग एक व्यूज हमारा कुछ जाने वाला है नहीं, आप लोग अपने एक एक व्यूज दीजिए, उससे मैं पैसे कमाऊंगा, फिर आगे खरीदूंगा और आप लोग मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। बस 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 आप ही के लिए सब चीज हो रहा है। अगर जिसको नहीं मिलता है लोकेशन पे आइए, सारे चैनल पे आप वीडियो देखते हैं हमारे। देखिए घुमा फिरा के बात यही है कि सब कुछ आप ही के लिए हो रहा है, तो आपका आप भी फर्ज बनता है कि भाई आप सपोर्ट कीजिए, फुल सपोर्ट कीजिए, ठीक है। और थावे से भी बता दे, थावे से लखनऊ जो आती है गोमती नगर, वही ट्रेन से हम लोग आए हैं, रात में उधर से चढ़े थे और अभी सुबह में 7 बजे के आसपास यहाँ पे गोमती नगर लखनऊ में है। अब यहाँ से नेक्स्ट ट्रिप होने वाला है दिल्ली का, तो वो भी वीडियो जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा अपना, ठीक है। सब कोई बाय बाय बोलेगा अभी, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा। भाई वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, और ये रही कार, हम लोग अब थोड़ा रेस्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए।